तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यूज़ करते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक आईपीबी ऐप होता है, उस ऐप के जरिए से जो ऐप मैंने खुला हुआ उस ऐप का नाम है आईपीबी बैंक, यानी आईपीबी ऐप है उसका शॉर्टकट नेम है और फुल नेम है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग, यानी कि आपका ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आता है। तो आप इससे रिचार्ज कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो को बिना इसके वीडियो को आंतर देखें, तो चलिए तो फिर आपसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दें, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह इस तरह का वीडियो आता रहता है। तो चलो चलते फिर आपसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या करना होगा, अपना आईपीबी ऐप खोल लेना होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये खोल लेना होगा। खोलने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अपना यहाँ से कोड डाल देना होगा। जैसे आप कोड डालेंगे, यहाँ देखिए गलत अगर डालेंगे तो नहीं होगा, गलत नहीं डालेंगे तो नहीं होगा, आपको पूरा सही से डालें, जैसे डाल देंगे डालने का। सो दोस्तों जैसे ही आप इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो इस तरह का इंटरफेस आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको तो यहाँ कहीं रिचार्ज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा फंड ट्रांसफर यूपीआई सर्विस और उसके बाद माय सर्विस के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बिल पेमेंट के नाम से। बिल पेमेंट के नाम से बहुत सारा पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो आपको एक रिचार्ज का ऑप्शन आता है, रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको करना है कि जैसे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, खुलने के बाद अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको मोबाइल में रिचार्ज करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं करना, आपको मोबाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपना मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। जैसे मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ से अपना जो आपका सिम है उस सिम को चूज़ कर लेंगे, एयरटेल है एयरटेल कर लेंगे, और आप कहाँ से बिहार झारखंड या आप गुजरात हरियाणा कहीं से भी आपको उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अमाउंट का ऑप्शन पर जाना है, कितना अमाउंट रिचार्ज करना है अमाउंट ये कर देंगे। जैसे क्रिएट करेंगे, अमाउंट करने के बाद आपको यहाँ से मेथड करना है, मेथड पर क्लिक करना है। मेथड जो मेथड से आप करना चाहते हैं, मेरा ये पोस्ट पेमेंट बैंक है इससे करना चाहता हूँ, तो आपको रिचार्ज पर क्लिक करना है। रिचार्ज पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कन्फर्म करने के लिए आएगा। जैसे ही कन्फर्म करने के लिए आपको यहाँ से एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे। जैसे ही वो ओटीपी आएगा तो यहाँ आपको फिल कर देना है। जैसे कि मैं ओटीपी को फिल कर देता हूँ, जैसे कि मैं फिल करता हूँ, फिल करने के बाद अब आपको यहाँ से जैसे फिल करेंगे, फिल करने के बाद अब आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे सक्सेसफुली आपका जो है, सक्सेसफुली देखिए ये आपका रिचार्ज हो चुका है। तो इस तरह का आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रिचार्ज करना कैसे है और आपको कैसा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से रिचार्ज करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आई होप वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।